हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं यहां पर देखिए आज हमने बनाई है एक वीडियो जिसको डी से रिलेटेड पहले बताया था ये स्टॉक्स ओके okay, 45 44 रुपीस के आसपास लगभग 30 परसेंट के रिटर्न ओके ऑलरेडी मिल चुके हैं बट अभी यहाँ पर तीस परसेंट गाड़ी रुकने नहीं वाली है यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेकआउट आज के डेट में हुआ था ओके okay, uh, कह सकते है कि एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि कल के दिन डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली exactly मार्केट में इसमें पर्टिकुलर क्या होगा बट टारगेट की बात करें सबसे पहले 75 और उसके बाद वन का यहाँ पर टारगेट आता हुआ दिखाई देगा तो ये तो होगी डीडेफ से रिलेटेड बट हम डीडेफ से रिलेटेड बातें ऑलरेडी कर चुके हैं जाइए वीडियोस को देखिए थोड़ी सी लंबी है बस बिजनेस मॉडल और पैसे कमाने हैं तो लंबी टाइप वीडियोस को देखना पड़ेगा एक वीडियो डालनी थी जिसमें हमने मनी और जेपी पावर से रिलेटेड बातें करी थी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देखेंगे जेपी पावर का ओके यहाँ पर आपको नीचे के लेवल से जिसे कहते हैं ना एग्जैक्टली exactly उस लेवल से बताया था जैसे डी डेप बताया था नीचे से भागा था एग्जैक्टली exactly यहाँ पर बताया था उसके बाद आप देख सकते हैं आज के दिन भी नौ परसेंट नौ रुपये पांच पैसे पे शेयर चल रहा है अच्छा पैसा यहाँ पर देखे जा रहा है इसके अलावा बिरला मनी बार बार आपको बता रहा हूँ और इसी स्टॉक्स में तो पोटेंशियल इतना नजर आता है कि अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आज पचास परसेंट पे बंद हुआ है बट याद रखिए नीचे आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी है चीजें और भागती हुई नजर आएगी तो बिरला मनी की तरफ ध्यान देना और इस पर्टिकुलर वीडियो में दो शेयर से बातें करेंगे जो इंडस्ट्री, दूसरा अमरा राजा।, तो राजा दोनों की अगर हम बात करें दोनों बैटरी के दिग्गज स्टॉक्स है ओके आप यहाँ पर देखेंगे अः ईवी की बात चल रही है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फायदा होता हुआ दिखाई देगा इतनी कंपनीज को होता हुआ दिखाई देगा ओके वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी की तो मैन्युफैक्चर इंडिया स्टोरेज बैटरी सेगमेंट में लगभग सेवेंटी फाइव फोर परसेंट रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी काफी बेहतरीन है एक्साइड का नाम यहाँ पर मार्केट में गूंजता ही है मार्केट कैप की बात करें चौदह करोड़ रुपए का मार्केट कैप है तीन का पी पे चल रहा है और इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी वन का है तो याद रखिए बड़े सस्ते पे शेयर मिल रहा है और वो भी कौन सा डेट फ्री शेयर फोर्टी नाइन परसेंट और फोर्टी एट परसेंट के आसपास का आर ओ सी आर ओ है इस तरीके से आर ओ सी आर बड़े कम मिलते हुए दिखाई देते हैं कंपनी का प्रॉफिट पिछले पांच साल में चालीस परसेंट और सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है ओके इस चीज को हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा और कंपनी की 52 टू विक हाई की बात करें 194 का यहाँ पर हाई बनाया था एक का फेस वैल्यू है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है वैल्यू देखेंगे 703 है और यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो पांच गुना पैसा होता हुआ दिखाई देता है और मैक्सिम चार्ट पैटर्न की बात करें बेहतरीन मैक्सिम चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कंपनी ने अच्छे ऑलरेडी बेहतरीन रिजल्ट दिए है दो में दो का हाई बनाया था उसके बाद चीजें नीचे जाती हुई दिखाई दी है सी एजी का है जो की काफी बेहतरीन है ओके okay, और यहाँ पर देखिये पिछले एक डेढ़ साल से कंपनी ने दोनों ही शेयर ने थोड़ा सा यहाँ पर पीछे जैसे कहते हैं ना बैकफुट पर यहाँ पर बैटिंग करी है ज्यादा रन नहीं बनाए केवल यहाँ पर टिप टॉप टिप टॉप खेलते हुए नजर आए सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बढ़ी है हाईएस्ट एवर इस बार की सेल्स आई है मार्जिन देखिए ईयरली ये बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे दोनों बेसिस पे अच्छे खासे अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्जिन में तो कभी प्रॉब्लम थी नहीं यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार यहाँ पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इसे यहाँ पर काउंट मत करिए क्योंकि इनका एक इंश्योरेंस का बिजनेस था जो इन्होंने एच को बेच दिया ओके इस वजह से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है ये वन टाइम ही था अब बात करते हैं स्टिल यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर देखेंगे दो करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स से। है कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है ये इसका प्रतीक है कि 4000 करोड़ की सेल्स 15000 करोड़ के आसपास है 14000 करोड़ के आसपास है नेट uh, प्रॉफिट भी देख सकते हैं किस तरीके से एज वेल एज देखिए तो 2018 में 12 करोड़ की सेल्स थी अभी भी लगभग 12 करोड़ की सेल्स ही है ओके okay, इस वजह से कह सकते हैं थोड़ा सा पीछे है और कुछ इन्होंने दोनों शेयर ने जो बैटरी ईवी आ रही है इससे रिलेटेड थोड़ा सा पुश पुश अप दिया है या नहीं दिया है या पुश देने की कोशिश नहीं कर रहे ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया इस वजह से ये शेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिफ्टी तीन साल का चार्ट पैटर्न लेता हूं तो अपने हाई से गिरते हुए नजर आया बाकी दूसरे स्टॉक्स देखेंगे ईवी से रिलेटेड तो वो भागते हुए नजर आया बैटरी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैटरी पे ही सब कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें 2018 में इस तरीके छे सौ सात सौ करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था यहाँ पर अड़तीस तो का रेशो वही सेम आता हुआ दिखाई दे रहा है इस वजह से शेयर थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पर बैकफुट पे है रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का बेहतीन रिजर्व है कंपनी के पास बोरइंग थोड़ी सी है ओके पांच करोड़ की तीन सौ करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में सात साढ़े पांच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है कंपनी की स्प्लिट की बात करें दो हजार छह में स्प्लिट हुआ था एक बार राइट इशू कंपनी यहाँ पर लाती रही है इसके अलावा डिविडेंड कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है और बढ़ता हुआ डिविडेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा है बोनस की बात करें कंपनी ने 2003 में बोनस भी दिया था तो कंपनी बोनस दे रही है स्प्लिट दे रही है सब कुछ अच्छा खासा है ओके okay, और अब शेयर जब यहाँ पर नंबर अच्छे आने शुरू हो गए तो शेयर भागना शुरू कर दिया है प्रोमोटर्स के पास यहाँ पर देखिए छियालीस परसेंट की होल्डिंग है 10%, की बात करें ओके okay, ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है बट तो डीआईस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है पब्लिक की बात करें पच्चीस की हिस्सेदारी है इसमें इन्वेस्टमेंट ने लगभग फोर की हिस्सेदारी लेके रख रखी है अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर हम डाल देते एक्साइड इंडस्ट्रीज तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर चार्ट में एग्जैक्टली क्या चल क्या रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि यह, ये यहाँ पर ये यह चार्ट पैटर्न था ओके मैं आपको बताने जा रहा था बट मैं भूल गया ये काफी टाइम पहले स्टॉक्स और शायद बताया भी होगा तो मुझे अभी याद नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कब विद हैंडल पैटर्न कॉम्प्लेक्स कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उसका ब्रेकआउट हुआ है अच्छा वाला ओके देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ था नीचे आया एकोमलेशन किया दोबारा तो यही चीजें चलती है और यहाँ पर देखिए हाई राइस जो यहाँ पर शेयर लगातार यहाँ से अब गिरता हुआ नजर आया था और राउंडिंग टॉप बनाया था अब बना के जाती देगी। पहले इसके से वन नाइनटी थ्री के आसपास का लगभग दस परसेंट के आसपास का यहाँ पर टारगेट आ रहा है वह चीजें यहाँ रुकने वाली क्योंकि मुझे यहां पर चीजें दो सौ आठ पे जाके दिखाई देती है दो सौ आठ पे और दो हजार आठ में जो प्राइस था ना उधर तक जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद चीजें और अच्छी होती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने वाली बात है और एक क्वार्टर के नंबर और अच्छे आ गए तो शेयर यहां पर बूम होता हुआ नजर आएगा तो इंडस्ट्री की तरफ आप ध्यान दीजिए और शॉर्ट टर्म में गेन के लिए भी यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं दस से बीस परसेंट के रिटर्न इजिली बनते हुए नजर आएंगे इसके अलावा और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं होल्ड करके चलिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है डरने वाली बात नहीं है और स्टॉक मार्केट का यही खेल होता है यहाँ पर भी देखेंगे छह परसेंट की तेजी है ओके स्मॉल कैप कंपनी है आप देख सकते हैं बट पर देखिए डेट फ्री शेयर है ये भी यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है एज वेल एज फ्री कैश फ्लो भी देखेंगे वो भी नेगेटिव में है इंडस्ट्री का पीस इक्कीस का है इसका सेवनटीन का है तो एक्साइड इंडस्ट्री कंपेयर देन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा नजर आता है और दोनों के दोनों स्टॉक्स का मार्केट में एक अच्छा खासा वर्चस्व है अच्छा अच्छा खासा नाम है फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अमला राजा ग्रुप द टेक्नोलॉजी लीडर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनुफेक्चर लेड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशन इन इंडिया स्टोरेज बैटरी तो ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है OEM's में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो ध्यान दीजिए

पैटर्न भी अच्छा खासा प्रॉफिट यह हो गया है तो ये सारी चीजें बताती है की यहाँ पर देखिए कुछ मामलों में अमरा राजा बैठा है कुछ मामले में एक्साइड इंडस्ट्रीज तो दोनों के दोनों का कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल किया जाए तो इक्वल बैठता है ओके और स्मॉल कैप कंपनी है तो मल्टीपैगर रिटर्न्स भी दोनों ने दिए है कोई डाउट वाली बात नहीं है कंपनी के रिजर्व्स इधर ही बड़े ना well यह तो याद रखिए इनकी किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि आई थिंक ये ईवी में अब काम करना स्टोरेज बैटरी से शुरू कर दिया है चौवन करोड़ के आसपास का कैश है और प्रोमोटर्स के पास अट्ठाईस परसेंट के शेयर है एज इट इज बने हुए प्रोमोटर्स इसके अलावा देखेंगे ये Uh, यहाँ पर तो एफ आई के पास अठारह एज इट इज बने हुए डी आई के पास टेन uh, परसेंट के आसपास और पब्लिक की बात करें पब्लिक का करेंट के शेयर है बट में भी होल्डिंग uh, Hold, ने लगभग फोर्टीन परसेंट के शेयर ले रखे है तो दोनों के दोनों यहाँ पर नजर आते हैं अच्छे और वो भी किसके बेसिस पे चार्ट के बेसिस पे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने भी क्या किया है इधर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और यहाँ पर भी अगर हम टारगेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सोलह लगभग बारह तेरह परसेंट के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है 618 का पहला टारगेट बट मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ कुछ और कि यहाँ पर देखिए चीजें यहाँ पर ऊपर से नीचे आई तो राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया अब राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा और चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी तो मुझे हजार रुपए के टारगेट यहाँ पर दिखाई देते हैं आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओके और जितने भी आप देखेंगे ऑटो के स्टॉक्स है ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स है वो ऊपर जा चुके हैं बट ये दो स्टॉक्स अभी भी नीचे है तो इधर पोटेंशियल ज्यादा है जो नहीं चले हैं वो यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे तो मुझे नजर आता है चीजें अच्छी तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे ध्यान दीजिए बट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए बाकी नीचे की गिरावट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा गिरने वाला है ऑलरेडी शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका है इससे ज्यादा जीरो तो इनसे नहीं करने वाले इतना कमजोर शेयर दोनों में से कोई नहीं है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे ओके और सब्सक्राइब दोनों चैनल को कर दीजिएगा बेल आइकन को बेट कर लीजिएगा ट्विटर पे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ताकि हम यहाँ पर जो चार्ट डालते रहते हैं वो आपको मिलते हैं सो तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस